तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं अर्बन मंकी का एक बहुत स्पेशल टी-शर्ट का हॉल। लेकिन ये वीडियो ट्रिपल स्पेशल हो जाती है क्योंकि सारे टी-शर्ट्स भाई पैराडॉक्स के कलेक्शन से आते हैं। जिस तरह से इंडस्ट्री में भाई पैराडॉक्स के गाने पॉपुलर हो रहे ना, इनका नाम पैराडॉक्स नहीं बल्कि पैरा कमांडो होना चाहिए था। पहले टी-शर्ट आ गया हमारे पास में अर्बन मंकी की, आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी और फ्रंट में लोगो मिलता है, साथ ही अच्छे से लिख दिया गया है मेड इन इंडिया एंड आई लव द पैकेजिंग क्योंकि साइड साइड में देखोगे ना हर लैंग्वेज में अर्बन मंकी लिखा हुआ है। साथ ही इस वीडियो में भी छोटा सा गिव अवे है आपके लिए, ध्यान से पूरी वीडियो देखना। अर्बन मंकी का आपको टैग देखने को मिल जाएगा, बहुत खूबसूरत बॉक्स से फिट के साथ आने वाला टी शर्ट है। टी शर्ट में आपको राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, बेबी पिंक कलर का टी शर्ट है और एक अच्छी बात क्या है ना कि अगर इसके नेक को देखोगे बहुत ज्यादा ना छोटा सा डिजाइन किया गया है इसका नेक, जिससे जब बॉडी में हैंग होता है ना ये टी शर्ट बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। साथ ही एक और खूबसूरत बात बता दूं कि अर्बन मंकी के सारे टी शर्ट के अपने स्पेशल नाम होते हैं, अपनी स्पेशल स्टोरी होती है। अंदर में आपको अर्बन मंकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एल साइज हमने लिया है और लेफ्ट साइड के रिब के पार्ट में आपको एक छोटी सी प्रिंटिंग देखने को मिलती है, कलरफुल प्रिंटिंग है, अच्छी लग रही है। लेकिन एक्चुअल जो खूबसूरती है वो टी शर्ट के बैक में है, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रिंट देखने को मिलता है, बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, प्रिंट की क्वालिटी टॉप नॉच है। और अगर आप क्लोजली देखोगे ना ऐसे ऐसे प्रिंट्स भी है जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, जैसे साइड साइड में आपको एक सेपरेटर जैसा देखने को मिल जाएगा, नीचे में आपको अर्बन मंकी की बहुत सारी ब्रांडिंग्स देखने को मिल जाएगी। यही सेम चीज आपको फ्रंट में भी देखने को मिलता है, यहाँ पर नीचे नीचे थोड़ी थोड़ी प्रिंटिंग है जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है लेकिन इसमें एक डिटेल ऐड करती है। वैसे अगर इसके प्रिंट की स्टोरी की बात करें, जैसे हम लोग कभी भी सोचते हैं कि भाई बॉक्स ऐसा ही होता है, ट्रायंगल ऐसा ही होता है, ये उस बाउंड्री को तोड़ता है, इसमें वैसे ही नए नए शेप्स को डिजाइन करके उस थॉट को रखा गया है। बाकी टी शर्ट पूरा कॉटन का बना हुआ है, 220 जीएसएम के साथ आता है, यानी एकदम प्रॉपर हेवी आपको फील होगा। क्वालिटी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, एंड डेफिनेटली जाना चाहो जा सकते हो, प्रोडक्ट लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास में, एक बहुत यूनिक कलर पैलेट इसमें आपको देखने को मिलेगा, पीच पिंक इसका नाम है। अर्बन मंकी का आपको टैग देखने को मिल जाएगा, राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, ये भी बॉक्सी फिट के साथ आता है, कपड़े की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, 220 जीएसएम इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। सेंटर चेस्ट पे यहाँ पर आपको पफ्ड प्रिंटिंग देखने को मिलेगी, जहां पर बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है, इफ यू डोंट कंट्रोल योर माइंड समवन एल्स विल। और यही चीज को ना हिंदी में लिख करना भाई दिल जीत लिया मेरा, लिटरली कनेक्ट्स विद एवरी इंडियन। नीचे में आपको एक प्रॉपर पैचवर्क देखने को मिलेगा, जहां पर अर्बन मंकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और चूंकि अर्बन मंकी 2013 में एस्टैब्लिश किया गया था वो ईयर भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बैक की तरफ अगर देखोगे तो यहां पर अगेन आपको बहुत सारी प्रिंटिंग्स, बहुत सारे कलर्स और बहुत सारी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। इस टी शर्ट का नाम है पैराडाइज और बेसिकली इसका मीन बस यही है जो हमने टी शर्ट के फ्रंट में देखा, अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई और करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे तीन चार चीजें यहाँ पर दिखाई गई है, अगर आप ध्यान से चाहो ना तो इस पूरे डेप्थ को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी मैं पॉइंट्स बता दूं, पेन, एडिक्शन, लस्ट, फ्लो, ये सारी चीजें हैं, अगर आप खुद से नहीं कंट्रोल करोगे कोई और कंट्रोल करेगा। यानी सिगरेट का लत आपने शुरू किया, बस पीते चले जा रहे हो, एडिक्शन में बर्बाद हो रहे हो, वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। बाकी प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और देखो प्रिंट क्वालिटी अच्छी होगी क्योंकि वो प्राइस ले रहे हैं अच्छा, लेकिन प्राइस तो बहुत सारे अलग भी ले रहे हैं अच्छा। इसमें क्या है, इसमें है स्टोरी, अगर आप इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाओगे ना तो ये टी शर्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास, फटाफट से निकालते हैं। देखो अर्बन मंकी का मैं शुरू से बहुत बड़ा फैन, हम हर कलेक्शन आपको दिखाते हैं इस चैनल पे, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना जरूर करना, और टी शर्ट पसंद आए तो खरीदना भी जरूर क्योंकि लिमिटेड स्टॉक्स है। फटाफट इस टी शर्ट को देखे और एंड में बात करेंगे गिव अवे की। एक बहुत खतरनाक फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का टी शर्ट है, अब आपको लगेगा भाई ये क्या दिखा रहे हो, क्यों दिखा रहे हो, जस्ट वेट फॉर द स्टोरी। यहाँ पर आपको राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, बॉक्स फिट मिलता है, 220 जीएसएम वाली फैब्रिक आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ज्यादा प्रीमियम है। अर्बन मंकी का आपको टैग देखने को मिल जाएगा, फ्रंट में अगर आप देखोगे ना कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था वो लिखा हुआ है, छोटी मोटी और चीजें लिखी हुई है, और यहाँ पर बहुत खूबसूरत है इलस्ट्रेशन वर्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइड साइड में देखोगे तो ब्रेथ ब्रेथ लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है टेक अ डीप ब्रेथ, और यही इस टी शर्ट का नाम है। प्रिंट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, पूरे फैब्रिक के साथ मर्ज हो गया है तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। लेफ्ट स्लीव पे आपको एक छोटू सा प्रिंट देखने को मिलता है, मेरे को इसका उतना मीनिंग नहीं समझ में आया। बैक की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको अगेन एक बहुत बड़ा प्रिंट देखने को मिलेगा, जहां पर वही चीज लिखी हुई है टेक अ डीप ब्रेथ, अर्बन मंकी की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। प्रिंट की क्वालिटी पीछे भी बहुत ज्यादा अच्छी है और बेसिकली इस टी शर्ट की स्टोरी ये है, हमें कई बार अपनी जिंदगी में पॉज लेकर शांत होकर एक डीप ब्रेथ लेना चाहिए और जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नॉइज है लाइफ में ना, उससे बियॉन्ड जाकर, उससे निकलकर अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। और ये कलर उसी सेपरेशन को दिखाता है, चारों तरफ दुनिया में सब एक ही कलर पहन रहे हैं लेकिन जब आप ये कलर पहनोगे यू विल लुक डिफरेंट। बाकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट कैसा लगा या मुझे कमेंट में बता
बता सकते हो। एंड अगर गिव अवे की बात करें, अगर आप अर्बन मंकी के सबसे बड़े फैन हो, जाओ पूरे स्टोर को विजिट करो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना मत कर दो, वो टोटली आपके ऊपर है। लेकिन एक लकी विनर को मिलेगा अर्बन मंकी का एक टी शर्ट और उसका एक फेवरेट कैप। क्या करना है बस आपको बताना, आपका फेवरेट टी शर्ट कौन सा है, कैप फेवरेट कौन सा है, कमेंट में अपने इंस्टा आईडी को टैग कर देना और हमें टेलीग्राम में इंस्टाग्राम में फॉलो करना है। हर बार यही प्रोसेस होती है हमारे गिव अवे की, तो मेक श्योर के जाकर पार्टिसिपेट करें। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अर्बन मंकी, बट दे आर काइंड इनफ टू सेंड मी दिस टी शर्ट, सो या थैंक यू सो मच। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास में, एक ग्रे कलर का बहुत खूबसूरत टी शर्ट। यहाँ पर अगेन क्वालिटी ना इस बार बहुत ज्यादा इंप्रूव लग रही है। पिछले बार जब मैंने अर्बन मंकी के टी शर्ट को देखा था, थोड़ी सी ना हल्की सी टी शर्ट की क्वालिटी थी, लेकिन अभी इंप्रूव्ड लग रही है। अर्बन मंकी का आपको टैग देखने को मिल जाएगा, फिटिंग्स में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। राउंड नेक के शॉर्ट स्लीव है, 220 GSM, सेम सारी चीजें हैं। यहाँ पर फ्रंट में आपको बहुत सारे अगेन कलर प्रिंटिंग्स देखने को मिलेंगे, अमेजिंग इलस्ट्रेशन वर्क देखने को मिलेगा। और बेसिकली इस टी शर्ट का नाम है ब्लैक बोर्ड, है तो ब्लैक बोर्ड, लेकिन यहाँ पर टी शर्ट का कलर ग्रे है और एग्जैक्टली इसके कलर का नाम है वॉस्ड स्टोन ग्रे। बाकी ओवरऑल प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। कैट बना हुआ है, एक डिटेक्टिव बना हुआ है जो गन से टिचकियां कर रहा है, एक कैक्टस है, एक सेफ्टी पिन है और यहाँ पर अगेन लिखा हुआ है 2013 अर्बन मंकी का एस्टैब्लिश्ड ईयर। और बैक में यहाँ पर आपको एक छोटू सा पैच वर्क देखने को मिलेगा। अगर इस टी शर्ट के कॉन्सेप्ट के पीछे की बात करें, जैसा इसका नाम है ब्लैक बोर्ड, ऐसे ब्लैक बोर्ड हमेशा न्यू आइडियाज के लिए रेडी रहता है। आप उसमें कुछ भी क्रिएट करो, कोई आपको जज नहीं करता है बचपन में। ठीक उसी तरह ये टी शर्ट भी चाहता है कि आप अपनी इमेजिनेशन से बियॉन्ड रहो और अपने दिल को क्रिएटिव बनाए रखो। दिल से अगर अच्छा लग रहा है तो इन सारी टी शर्ट के लिए जाना, बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट खूबसूरत टी शर्ट देख। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास, सेम वही खूबसूरत सी पैकेजिंग और अंदर में एक और खूबसूरत सा टी शर्ट। ऑलराइट, अगर कलर की बात करें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर मुझे लग रहा है क्रीम कलर, वेबसाइट पे लिखा हुआ ऑफ व्हाइट और इस पे लिखा हुआ भाई एप्रिकॉट, नेम से मत जाना, थोड़ा क्रीम टाइप का ही दिखता है। राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, बॉक्स फिट, 220 GSM, ये सारी चीजें सब कुछ सेम है। प्रिंट्स में अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको पफ प्रिंटिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट के राइट साइड वाले प्रिंटिंग में आपको UM की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, यानी अर्बन मंकी। ग्रीन एंड येलो कलर यूज हुआ, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेफ्ट साइड में आपको 2013 यानी यहाँ पर इसका एस्टैब्लिश्ड ईयर अगेन प्रिंट किया हुआ है। पफ प्रिंटिंग है, लेकिन पफ भी ना बहुत ज्यादा नहीं, जैसे मैंने ये वाला टी शर्ट पहना हुआ है, बहुत ज्यादा पफ है इसमें, ये एकदम मिनिमल सा और सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। राइट साइड के बॉटम यहाँ पर आपको पैच वर्क देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, अर्बन मंकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, MUM यानी मुंबई, और बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो कि मैं आपको डिटेल में समझाता जाऊंगा। बैक की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा मंकी देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ अर्बन, नीचे लिखा हुआ मंकी, और बेसिकली अर्बन मंकी का ये कहना है ये एक एंटी मंकी है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे नीचे आपको और ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, ये भी हल्की हल्की पफ प्रिंटिंग जैसी की गई है। कलर्स बहुत ज्यादा रिच वाइब्रेंट लगते हैं एंड लगता है भाई कि हाँ ऐसा लगा है, टी शर्ट में अच्छी क्वालिटी का बनाया हुआ है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। फन के लिए मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट पैराडॉक्स का सॉन्ग कौन सा है। सारे प्रोडक्ट के लिंक अगेन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, गिवअवे में पार्टिसिपेट लेना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में सुबह 10 बजे, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पेश, बूम।